फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो गई है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी ओर से जोर आजमाइश करने लगे हैं। इस बीच सीएम योगी 8 जनवरी को लखनऊ में आयोजित डीडी न्यूज के कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी में हिस्सा लेने पहुंचे। वहां उनसे पूछा गया कि आप राम जन्मभूमि और राम राज्य की बात करते हैं, आजकल अखिलेश जी भी राम राज्य की बात करते हैं, आप मथुरा की बात करते हैं तो अखिलेश जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि देखिए फर्क साफ है और पब्लिक इसको पहचानती भी है। राम का नाम हनुमान भी लेते थे और राम का नाम कालनेमी भी लेता था। राम भक्तों की पहचान छद्म वेश में छिपे हुए कालनेमियों की पहचान भी जनता करती है। भगवान कृष्ण बहुत सारे लोगों को कोसते होंगे, कैसे नालायक हो कि सत्ता की मोह नहीं छोड़ पा रहे हो। जब हमने सत्ता दी थी, एक बार नहीं चार चार बार दी थी, तब तो दंगा कराते थे। यूपी में 2012 से 2017 के बीच पहला दंगा कहाँ हुआ था? मथुरा के कोसीकला से हुआ था और अंतिम दंगा भी जवाहर बाग का हुआ था, वो भी मथुरा में ही था। भगवान श्री कृष्ण उन्हें पहले ही कह चुके हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रखा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी और योगी जी को, कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट के तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर उसे विश्वास नहीं करना है, न पहले करता है और न आगे उसको करना है। कोई गलत फहमी में ना रहे, ये चुनाव 80-20 का है। योगी के इस बयान पर सपा की ओर से भी जवाब आया। सपा MLC साजन ने हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव से बात करते हुए कहा कि योगी जी अपना गुड़ा गणित ठीक कर लें, यह 85-15 का चुनाव है, उन्हें भी पता चल जाएगा। ध्रुवीकरण की तरफ जाना पड़ रहा है, इसका मतलब उनकी हताशा और निराशा है। वो जान चुके हैं कि लोग उनको सरकार से बाहर करने वाले हैं, क्योंकि किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, पिछड़ा दलित परेशान है। आपने किसी का हक मारा है, किसी का आरक्षण छीना है, किसी को लाठी लगाई है, किसी को अपमानित किया है, तो आज कौन वोट दे देगा? इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक कुटने और पिटने लगे, तब भाजपा को 80-20 की बात याद आई। ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 15-85 की होगी जाके। गणित अभी भी भाजपा अपना ठीक कर ले और 15 भी नीचे आएंगे। ये 15-85 बताएंगे दर्शकों को क्या? अरे आप जोड़ लीजिए ना, किसान, बेरोजगार नौजवान, पिछड़ा, दलित, सबको जोड़िए, जो लाठी खाया है, जो शिक्षक हैं, जिनका आरक्षण छीना गया है, उनको जब आप सब जोड़ लेंगे तो 15-85 होगा और हो सकता है 90-10 हो। भारतीय जनता पार्टी 90% नहीं पाने जा रही है, वो 10% पे खड़ी है और बात 80-20 की करके अपनी हताशा और निराशा जता रहे हैं। इससे पहले सपा नेता IP सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ पर यूनिक स्टाइल से हमला बोला था। उन्होंने लखनऊ से गोरखपुर का टिकट करवा दिया था और कहा कि 10 मार्च को उनकी वापसी होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, नामित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मूल रूप से उत्तराखंड के हैं। हमने योगी आदित्यनाथ जी का एक रिटर्न ईयर टिकट 11 मार्च का लखनऊ से गोरखपुर का करा दिया है। एयर इंडिया का टिकट है। जब से वो नामित हुए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार किया, युवाओं पर अत्याचार किया, पिछड़ी जातियों पर अत्याचार किया, यहां तक कि गरीबों के घर बुलडोजर से ढा दिए गए, दलितों पर अत्याचार हुआ और उनके अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। आज जब उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित हो गया है तो 10 तारीख को उसका परिणाम आएगा। 11 तारीख को जब परिणाम आएगा और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, उस वक्त योगी आदित्यनाथ से मिलने BJP के नेता भी नहीं आएंगे। इसलिए हमने उनके लिए एयर टिकट बुक करा दिया है, सुरक्षित करा दिया है, जिससे ससम्मान वो लखनऊ से गोरखपुर अपने मठ पहुंच सके और मठ के बाद
उनकी वापसी उनके घर उत्तराखंड हो सके। कुल मिलाकर चुनावी घोषणा के बाद से ट्विटर पर यूपी पॉलिटिक्स तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।